गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ओपन एक्सरसाइज 4.2। सेकेंड क्वेश्चन, यस्टरडे वी हैव डन हाउ टू डू द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डू वन मोर क्वेश्चन। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x+9 इक्वल्स टू 0। Now see, this is the equation in one variable. You look on the board. I will not repeat, please. Board पे देखो, मैं repeat नहीं करूँगी. बेटा page number 77. ठीक है, अब सुनो. ये एक single variable में equation given है. इसको इसमें मतलब मैंने क्या represent? इसको geometrical represent करना है. मैंने graph बनाना है. ग्राफ कैसे बनता है? जब हमें वैल्यू पता होती है, किसकी वैल्यू? अगर वन वेरिएबल में करना है तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? एक्स की। तो मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। इसको लिख सकते हैं -9 एक्स इज इक्वल टू -9/2। यस यस, इट इज -4. So if I have to represent it in graphically, I will make a number line 0, 1, 2, 3, 4. Now it is negative, so we have to move towards the left hand side. -5, the distance should be the same, right? Now we have -4.5. -4.5 will come between -4 and -5. ये रहा आपका -4.5. बात खत्म। नशिका समझ आई बात? This is in one variable. Now in two variable में भी हमारे पास क्या आएगा? X -4.5. जैसे कल हमने, याद है कल क्वेश्चन किया था, उसमें हर बार जब टू वेरिएबल में किया था, y की वैल्यू 3 आ रही थी। रिमेम्बर, y की वैल्यू 3 आ रही थी ना, x 0 पे भी 3, 1 पे भी 3, 2 पे भी 3, 3 पे भी 3। इसी तरह से इस क्वेश्चन में जब हम टू वेरिएबल्स में करेंगे तो x -4.5 ही आएगा, y की जो मर्जी वैल्यू लेते जाओ। ठीक है, हाँ जी, खुला दिमाग, समझ आ रहा है? श्योर? सेकेंड पार्ट देखिए बेटा, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। फॉर द सेकेंड पार्ट बच्चे, वी विल मेक द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, 2x+0 × y+9 = 0, राइट? अब इसके बाद चाहे आप इसको सॉल्व करो या सीधा लिखो, x -4.5 ही रहेगा जब y 0 है, x -4.5 ही रहेगा जब y 1 है। y की जितनी मर्जी वैल्यूज लेते जाओ, x -4.5 ही रहेगा। कैसे? ax + by + c की फॉर्म में लिखते हैं ना आप, मतलब आप ऐसे लिख लो 0 × y + 2x + 9 = 0। इट इज योर विश, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करें, जीरो इंटू y, 2x इज इक्वल टू -9 - 0 × y, 9 को भी उधर ले गए, -0 × y को भी उधर ले गए। मैंने y को 0 पुट किया, बोर्ड पे देखिए प्लीज, पुट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझा रही हूँ। y को 0 पुट किया, 2x इज इक्वल टू -9, -0 × 0, -0 ना -9,
माइनस नाइन माइनस जीरो इज व्हाट, माइनस नाइन, एक्स कितना आएगा, माइनस नाइन बाय टू, दैट इज माइनस फोर पॉइंट, है ना। इसी तरह से अगर मैं वाई को वन पुट करती हूँ, टू एक्स इज इक्वल टू माइनस नाइन माइनस जीरो इंटू वन, जीरो इंटू वन, टू एक्स इज इक्वल टू माइनस नाइन माइनस जीरो, ये माइनस नाइन ही आएगा, फिर भी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस फोर पॉइंट फाइव। सो वट एवर वैल्यू ऑफ वाई यू पुट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एज माइनस फोर पॉइंट फाइव ओनली। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरी वन, यस और नो? ठीक है, जब आपके पास एक वेरिएबल में इक्वेशन गिवन है ना बेटे, तो वो वाला जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू वही रहेगी, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आप जो मर्जी डालते जाओ। जैसे कल हमारे पास था y is equal to 3, तो x की वैल्यू हम जो मर्जी डालते जाए, y की वैल्यू क्या आएगी, 3 ही आएगी। हाँ जी योग, समझ आया, समझ आया क्या, नहीं समझ आया ये बता दो। क्यों नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि y का जो कोफिशियंट है वो जीरो था, जीरो के साथ y मल्टीप्लाई हुआ वो क्या बन गया, जीरो। जो टर्म जीरो हो गई उसको फिर हमने लिखा ही नहीं, ये वन वेरिएबल में है इक्वेशन। अगर हमने इसको टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है तो y दिखाना तो पड़ेगा, y के साथ क्या है, जीरो, इसीलिए इक्वेशन में बेटा अपनी तरफ से ही लगाएंगे ना, क्योंकि y के साथ जीरो मल्टीप्लाई हुआ इसलिए वो टर्म थी नहीं। बातें नहीं करनी है प्लीज। हाँ जी, एक मिनट, व्हाट हैपन, बेंच टूटा हुआ है, दो मिनट रुक जा सकते हो बच्चे, कुछ नहीं है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपने टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना था, ठीक है, एक इक्वेशन ऐसे गिवन है, आपने उसको टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है, वाई नहीं है, जो नहीं है उसके साथ जीरो लगा के उसको शो कर देना, फिर जो वैल्यू ऐसे एक्स की आई है, हर एक केस में एक्स की वैल्यू वही आएगी, वाई की वैल्यू जो मर्जी लेते जाओ, बात खत्म। और अच्छे से आप इसको तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। कल आपने फर्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, नहीं की थी बेटा, पता क्या होता है, कई बार कोई चीज देखने में आसान लगती है लेकिन जब तक आप उसको खुद अपने हाथों से सॉल्व नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू डू, चाहे मैं 10 बार करवा दूं। नहीं बेटा ये भी इजी है, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ डेसिमल में वैल्यू आई है और कुछ नहीं है, वहां पर 3 थी होल नंबर, यहाँ पर डेसिमल में। वन वेरिएबल वाला तो आपको इजी लगा, सेकेंड वेरिएबल में आपने क्या करना है, इक्वेशन बना देनी है बस, उसके बाद ये याद रखना है कि एक्स की वैल्यू आ रही है ना इसमें, एक्स के हर जगह पे माइनस 4.5 जो उसकी वैल्यू है वो लिख दो, वाई की वैल्यू जो मर्जी हो, 0, 1, 2, 3, 10, 20 करोड़, वाई को करोड़ भी डालोगे ना तो करोड़ जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो बन जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू माइनस 4.5 ही रहेगी। ठीक है बेटा, अब इसको हमने रिप्रेजेंट करना है टू वेरिएबल्स, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ओरिजिन, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, -1, ठीक है, बोर्ड पे देखिए प्लीज, एक्स वाई जीरो पे एक्स कितना है, माइनस 4.5, कहाँ है हमारा माइनस 4.5, लुक कम दीदी आपको बोर्ड दिख रहा है बेटे, आपने यहाँ आना है, सेकंड मैन पे आ जाओ, बेंच की प्रॉब्लम है कोई, बेंच अभी ठीक बैठे हो कि बाद में चेंज कर लेना, ठीक है, ये है हमारा एक्स 4.5,
एक्स जीरो पे, वाई जीरो पे, सॉरी, जब वाई वन है तब भी एक्स कितना है, ये रहा, जब एक्स टू है तब भी माइनस फोर पॉइंट फाइव। अगर एक्स को फोर लोगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, माइनस फोर पॉइंट फाइव। नाउ देन यू हैव टू ज्वाइन। अब देखो लाइन आई आपके पास पैरेलल टू वाई एक्सिस, कल वाई की वैल्यू गिवन थी तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी नहीं सोचने की जरूरत, अपने आप ही आएगी वो लाइन। तो दिस इज द, हाँ नहीं बेटा नीचे तक नहीं, आप पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, इट इज जनरल, इसमें नीचे तक लेके बस पॉइंट्स को ज्वाइन करना, बात बात खत्म, उसको एक्सटेंड कर दो चाहे नहीं। ये सारी पता किस बात का, किस चीज की गलती है, जो तुमने अच्छे से क्लासेस नहीं लगाई आपकी, मतलब ठीक है ये आप बच्चों का साथ सबका, ये अभी भी जो ऑनलाइन में एब्सेंट है, एक एक चीज जितने भी आपको चैप्टर्स करवाया ना बेटा वो डिटेल में करवाए, जैसे स्कूल में होते आप तब करवाते, ऐसा नहीं कि हमने कुछ मिस कर दिया, इवन ज्यादा ही बोला है, बट आप लोगों ने क्लासेस नहीं लगाई। अब जब मान स्कूल आना पड़ रहा है ना, और माहौल ठीक होएगा तो और फिर रेगुलर क्लासेस होंगी, पेपर होंगे, टाइम देनी है, जब आप चीजें मिस करते हो वो फिर नहीं समझ में आती है, बैकलॉग इतनी जल्दी थोड़ी कवर होगा कि आप ये ऑल ऑफ अ सडन स्कूल में आए और सब कुछ कवर हो गया, ऐसे नहीं होता है। नोट कर लो, हाँ जी बेटा, बेटा नाइन्थ में असाइनमेंट वगैरह का ऐसे कुछ नहीं होता, वो सब इन टोटल है, एनसीईआरटी कर ली, एक्स्ट्रा बुक्स, देयर इज नो एंड टू द क्वेश्चंस इन नाइन्थ। एट्थ तक होता था कि बुक कर ली, असाइनमेंट के क्वेश्चंस कर ले, नाइन्थ में ऐसे कुछ नहीं है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, ठीक है, पहले एनसीईआरटी करो, ये आता था क्वेश्चन अच्छे से आता था, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, ठीक है। Any doubt to anyone, बेटा? Online? Any student? किसी ने पूछना कुछ? Is it clear? Online? बच्चों? No response? Fine. Only Dhiren has given the response. What about others? Akaran? Others? लक्ष्य, आरजू, फाइन। सो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन, वी विल बी डूइंग द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेटर ऑन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट लास्ट चैप्टर ऑफ दिस टर्म, स्टैटिस्टिक्स, ओपन इट। हाँ जी बेटा, स्टैट्स में इट इज ऑल अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द अबाउट द कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट डाउन, गिव द डेफिनेशन, जल्दी जल्दी लिखना है, रॉ डेटा द जनरल ऑब्जर्वेशंस कलेक्टेड, जनरल ऑब्जर्वेशंस कलेक्टेड फ्रॉम एनी सोर्स, जनरल ऑब्जर्वेशंस कलेक्टेड फ्रॉम एनी सोर्स इज कॉल्ड रॉ डेटा, जनरल ऑब्जर्वेशंस कलेक्टेड फ्रॉम एनी सोर्स इज कॉल्ड रॉ डेटा मीन्स जनरल नंबर्स, 7, 4, 6, 5, so on. ये जनरल एक रॉ डेटा, ठीक है। इसके बाद एक टर्म है, राइट डाउन,
प्राइमरी डेटा? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज प्राइमरी डेटा? इट इज रिटन इन योर बुक। प्राइमरी डेटा पता क्या होता है बेटा? सुनो पहले, जो डेटा हम खुद कलेक्ट करते हैं। आई वेंट टू द क्लास, ठीक है, मैंने पूछा कौन कौन से बच्चे हैं जिनकी एज 14 अबव है, ठीक है, मैंने एक एक बच्चे से पूछा, सबको बोला अपना आधार कार्ड लेकर आओ, सबके आधार कार्ड देखे मैंने, वहां से मैंने खुद देखा कि किसकी एज 14 से अबव है, ठीक है, मैंने जो इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट की दैट इज नोन एज द प्राइमरी डेटा। अभी लिखवाती हूँ एक मिनट। उसके बाद होता है एक सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या है? द डेटा और द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम एनी अदर सोर्स। आपका सबका डेटा ऑफिस में है, आपके अटेंडेंस रजिस्टर में आपकी डेट ऑफ बर्थ सबकी लिखी हुई है, मैंने उसमें से सब कुछ सारा डेटा नोट किया, तो दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। समझ आ गई? जो हम यू वेंट टू अ कॉलोनी, ठीक है, यू वेंट होम टू होम, देयर यू काउंटेड हाउ मेनी पर्सन आर देयर, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ कॉलोनी सपोज। तो आप खुद गए, आपने घर घर जाके पूछा आपके घर में कितने बॉयज हैं, आपके घर में कितने बॉयज हैं, दैट इज नोन एज प्राइमरी डेटा। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन कहीं पे है पहले ही, आप वहां ऑफिस में गए, आपने देखा इस कॉलोनी में इतने बॉयज हैं, दैट इज यू हैव कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी अदर सोर्स, दैट इज नोन एज द सेकेंडरी डेटा। समझ आ गई? सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी डेटा बच्चे। प्लीज अंडरलाइन इन द बुक ओनली, पेज नंबर 239, देन यू कैन राइट डाउन लेटर ऑन। पेज नंबर 239, थर्ड लास्ट पैराग्राफ है ना, इन द फर्स्ट केस के आगे बुक नहीं है। Are you out of your mind? पर तो स्कूल ही ना आओ बेटा, स्कूल किस लिए आ रहे हो आप? नहीं नहीं, अंडरलाइन किया हुआ है। नहीं, एक मिनट, जस्ट वन मिनट, अंडरलाइन करो बेटा। When the information was collected by the investigator herself or himself with a definite objective in his or her mind, चाहिए ना भी लिखो, सीधा लिखो। When the information was collected by the investigator herself or himself is called the primary data. ठीक है? हाँ जी। अरे इधर आ। ये रहा। नीचे। When the information was collected by the investigator. Then secondary data, see the next paragraph. Then the information was gathered from a source which already had the information stored. The data is called the secondary data. ठीक है? तो primary data और secondary data वैसे MCQ form में आना है, but maybe options आ जाएं. The primary data is dash. ऑप्शंस आएंगे, उसको टिक करना हो सकता है, ठीक है। 14.1 में देखो बेटा, कहते गिव फाइव एग्जांपल ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ, एनीथिंग यू कैन राइट, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, हाइट ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स, ब्लड ग्रुप ऑफ डिफरेंट पीपल इन आवर कॉलोनी, कुछ भी, ठीक है, नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन क्लास 10th इन मैथ्स, कुछ भी लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, क्लासीफाई द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव एज प्राइमरी और सेकेंडरी, इसको छोड़ो, कहते जो आप कलेक्ट करोगे उसको बताओ वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी, तो डिपेंड करता है, हाँ ये छोड़ो, बस यहाँ पर एक आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी डेटा क्या है और सेकेंडरी डेटा क्या है, ठीक है। इसके बाद बेटा आपके पास होता है प्राइमरी और सेकेंडरी हो गया, इसके बाद एक टर्म है, सारी टर्म्स तो पता होगा ना, फिर आसानी रहेगी। अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा, ग्रुपिंग नहीं होती, नित्या बताएगा, शाबाश नित्या। अनग्रुप्ड डेटा बेटा क्या होता है? यस, अनग्रुप्ड डेटा मतलब जैसे हमारे पास है 1, 2,
सेवन नाइन फाइव सिक्स ऐसे. देर इज नॉट अ मच डिफरेंस बिटवीन अ स्मॉलर नंबर एंड अ बिगर नंबर. और लाइक इन योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज लाइक ब्लड ग्रुप्स आर गिवन ए ओ बी ए पॉजिटिव लाइक दिस. बस जैसे आप याद है आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते थे क्या करते थे टैली मार्क्स. जैसे मान लो ये है तो मैं लिखूंगी ए ओ बी ए पॉजिटिव. ए कितने हैं ओ कितने हैं बी कितने हैं. अलग अलग नंबर या अलग अलग अल्फाबेट लेकर जैसे हम कहते थे कि कोई भी ऐसे सिंगल ग्रुपिंग नहीं है उसको बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा जिसमें सिंगल सिंगल जो चीज है उसके हमने ऑब्जर्वेशन टैली मार्क करना है. ठीक है. फिर बच्चे आपके पास होता है ग्रुप्ड डेटा. ये समझ लो फिर क्वेश्चंस करेंगे उससे और क्लियर हो जाएगा. ग्रुप्ड डेटा क्या होता है जैसे आपने एट में किया था क्लास इंटरवल्स कितने आपको कितने ऑब्जर्वेशंस गिवन है मिनिमम ऐसे 40, 61, 33, 12, 10, 5, 1, 41, 32, 65, 75, 80 इन जनरल. अब आपके पास 1 से लेके 80 अब आप ऐसे और कितने नंबर्स हैं देर आर सो मेनी नंबर्स. तो आप देखोगे थोड़ी कि कौन कौन से नंबर गिवन है एक सिंगल सिंगल नंबर लिखोगे और उसके टैली मार्क करोगे. दैट इज वेरी डिफिकल्ट. व्हाट यू विल सी हाँ आप इसमें क्या देखोगे आप देखोगे सबसे छोटा नंबर क्या है सबसे बड़ा नंबर क्या है. देन यू विल मेक द क्लास इंटरवल्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. आप इसमें देखोगे 0 to 10 में कितने आते हैं 10 to 20 में कितने आते हैं. दिस इज व्हेन यू आर doing the grouping class intervals lete ho that is known as the grouped data. ye grouping kar di maan lo isme frequency aati hai 12 aise 12 bacche hain jinke test mein marks aaye 0 se leke 10. ab alag alag kiske kitne hain hame nahi pata humne maine pucha kitne bacche hain jiske number 0 se 10 hai to 12 bacche kis ek us kitne hain kisi ke 7 kisi ke 8 kisi ke 2 kisi ke wo nahi wo uski baat nahi hum yahan kar. हाँ 0 to 10 से कम बोला तो बाद में बताऊंगी कोशिश करेंगे ना सब क्लियर हो जाएगा. ठीक है. सो आई होप अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डेटा यू आर क्लियर विद. एनी डाउट इसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी ये बस आपने समझना है व्हाट इज ग्रुप्ड डेटा व्हाट इज अनग्रुप्ड डेटा. ठीक है. Then, ये आपने किया हुआ क्लास इंटरवल में क्लास साइज क्लास मार्क रेंज सबको आता है. जशन सब कुछ आता है. फिर भी एक बार जनरली फटाफट से आई विल गिव यू अ क्विक रिवीजन. सपोज यू हैव 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे क्लास इंटरवल हैं. What is the class size? Class size क्या होता है? Upper limit लिखो लिखो जल्दी से लिख लो फटाफट से. Upper limit minus class size जैसे इसमें 10 है. फिर होता है बेटे क्लास मार्क. क्या होता है रेजा क्लास मार्क बेटे. हाँ क्लास मार्क क्या होता है. हु विल टेल वंशिका आता है कहते हैं हम
क्लास साइज भी पहली बार कर रहे हो? अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ जी लक्ष्य बोलो। मैम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ओवर टू। यस ओके फाइन 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 फाइन। क्लास साइज होता है बेटे, जैसे जो क्लास इंटरवल है ना उसका साइज, जैसे 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10, कितना डिफरेंस है। अगर आपके पास सपोज ऐसे हो, स्टार्ट हो रहा है 3 से, 3 to 8, 8 to 13, जिससे खत्म होता है उसी से शुरू होता है, 18 to 20। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। 8 माइनस 3, एक मिनट बेटा क्या बोल रही है। नहीं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो ये माइनस नहीं है, ये बताया है यहां से लेके यहां तक। 8 माइनस 3 13 माइनस 8 18 माइनस 13 23 माइनस 8, सब में 5 है, तो इसमें क्लास साइज क्या है 5। नहीं अलग अलग अभी, हाँ आगे करेंगे, अभी अभी इतना ही समझो, देखना पड़ेगा कि अलग अलग वाला तुम्हें है कि टेंथ में था, मुझे अब ध्यान नहीं, देखेंगे। अलग अलग होता है तो उसको सेम बनाना पड़ता, वो बाद में बताऊंगी कैसे, एंड लास्ट एक्सरसाइज है वो, ठीक है। क्लास मार्क होता है बेटे मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, M फॉर मार्क, M फॉर मिड पॉइंट, याद रखो। कर मिड पॉइंट मतलब अपर लिमिट निकालना कैसे है, प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय, आप बोलने लगे थे ओके। जैसे इनमें तो इजी होता है, मिड पॉइंट क्या है, इसमें 5, अगले में 15, अगले में 25, इसमें 5, इसमें 15, इसमें 25, सीधा है ना। इसमें देखना पड़ता है जैसे जो बीच में से कोई नंबर होता है, व्हाट इज द मिड पॉइंट, कई बार गलती हो जाती है लिखने में, तो 8 प्लस 3 11 बाय 2, इसका मिड पॉइंट क्या है 5 पॉइंट, 13 प्लस 8 21 21 बाय 2, लाइक दिस। तो दिस कैन कम इन द एमसीक्यू एंड इट विल श्योरली कम। बेटा मीन तो होता है कितने सारे नंबर्स को प्लस करके डिवाइड करना है, जितने नंबर्स है, यहां पर सिर्फ 2 नंबर्स को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, बीच वाला। क्लास साइज गिवन होएगा ऐसे क्लास इंटरवल, व्हाट इज द क्लास मार्क, तो क्लास मार्क पता होगा तभी बता पाओगे कि क्लास मार्क होता है मिड पॉइंट, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन, क्लास साइज हो गया, क्लास मार्क हो गया, क्लास इंटरवल आपको पता ही है क्या होता है ना, कोई रेंज होता है, रेंज हाईएस्ट वैल्यू माइनस जो भी रैंडम डेटा गिवन है उसमें सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा, दैट इज द रेंज। ग्राफ्स लेके आना कल करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फर्स्ट एक्सरसाइज में है, टाइम हो गया हाँ जी ठीक है। तो कल वो वाले क्वेश्चंस भी करेंगे एंड विल स्टार्ट द ग्राफ आल्सो, पढ़ना शुरू कर दो। कवनूर आप तो पहले भी पढ़ते थे बेटा, मैं बाकियों को कह रही हूँ, बहुत प्यारी प्यारी गर्ल्स है हमारी क्लास में, सारे सब्जेक्ट हो गए, अच्छी बात है वंशिका, इसका मतलब आप टाइम देते हो, आप पढ़ते हो, है ना, दैट इज वेरी गुड, है ना। तो किया हुआ है चैप्टर, आराम से कराऊं मैं चिल करके, अब आप हेल्प करोगे मेरी, ठीक है। चलो लास्ट एक्सरसाइज में है नहीं कुछ भी नया, अच्छा ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है।
ऑल राइट बेटा, एनी डाउट टू एनीवन ऑनलाइन? बच्चे को कुछ पूछना है प्लीज पूछ लो, अगर कुछ पूछना है ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। एनी डाउट यू कैन आस्क एनी टाइम, ठीक है। एंड डू द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस एवरीवन। ऑल राइट बेटा, टेक केयर।